हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा और हमें इसके लिए कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। ओके, तो ये सारा पॉइंट जो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो है लैंड का। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है लैंड, यानी लैंड हमें कितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जब हम 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए जो है कम से कम हमें 10 एकड़ लैंड रिक्वायर्ड होगा। ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये लैंड जो है कोई मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ये बंजर भूमि की मैं बात कर रहा हूं। ओके, क्योंकि आप जो है उपजाऊ मिट्टी में प्लांट लगा ही नहीं सकते हैं, आपको एनओसी आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर मान लीजिए वो लैंड जो है उपजाऊ है तो वहां पर आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, इसीलिए आपको जो है सबसे पहले बंजर भूमि का चुनाव करना पड़ेगा, आपको एरिया देखना पड़ेगा। ओके, जो मतलब पथरीला जगह है जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती है। ओके, तो वैसा लोकेशन जो है सिलेक्ट करना है प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो उसके लिए जो है कम से कम जो है लैंड के लिए आपको 60 लाख रुपीज जो है कम से कम आपको 60 लाख रुपीज जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ लैंड के लिए। ओके, क्लियर। उसका दूसरा हमारा पॉइंट होता है लीगल पेपर। ओके, जनरली देखिए कि मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड लिए और उसमें प्लांट लगा दिए, लैंड लेने के बाद भी जो है गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बिना परमिशन का आप पावर प्लांट जो है सोलर का आप नहीं लगा सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो लीगल पेपर में आपको लेना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंटल से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ओके, सेफ्टी वाले से आपको एनओसी लेना पड़ेगा और उसके बाद हेल्थ बॉडी से आपको जो है परमिशन लेना पड़ेगा। ये सारा पेपर्स जो है आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए। ओके, तभी जो है आप पावर प्लांट लगा सकते हैं। ओके, तो ये पेपर बनाने के लिए जो है कम से कम आपको 5 से 10 लाख रुपए का खर्च होगा, लेकिन यहां पर जो है मैं 10 लाख रुपए कंसीडर कर रहा हूं। ओके, उसके अलावा तीसरा पॉइंट है वो है सोलर पैनल का। ओके, मान लीजिए कि 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पर जो हमें कितना प्लेट खरीदना पड़ेगा, कितना पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा सोलर पैनल जो है वो कितना वाट का है। ओके, तो यहां पर जो सोलर पैनल मैं कंसिडर कर रहा हूं वो है 445 वाट का। ओके, 445 वाट का सोलर पैनल है। ओके, और यहां पर जो है 10 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए हमें 22,472 सोलर पैनल परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसका अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो 26 करोड़ जो है मुझे सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी 26 करोड़ रुपए जो है सिर्फ मुझे सोलर पैनल परचेस करने के लिए लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आता है वो होता है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर का। ओके, तो स्ट्रक्चर में देखिए बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला होता है हमारा कॉलम पोस्ट हो गया, पर्लिन हो गया, राफ्टर हो गया, ब्रेसिंग हो गया, नट बोल्ट फास्टनर, मतलब ए टू जेड चीज रहता है उसमें। ओके, ये सारा अगर हम स्ट्रक्चर का मेटेरियल परचेस करेंगे 10 मेगावाट के लिए तो उसमें जो है कम से कम हमें 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो है मैं 4.5 करोड़ जो है मैं कंसिडर किया हूं। ओके, क्लियर। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा एससीबी। एससीबी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। ओके, जहां से जो हमारा सोलर पैनल जो करंट आएगा डीसी करंट वो जाएगा किसमें, एससीबी बॉक्स में, और एससीबी से क्या करेगा हमें इन्वर्टर में लेके जाएंगे। ओके, क्लियर। तो इस चीज के लिए हम लोग एससीबी का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर जो है 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए मुझे कम से कम जो है 40 हमें एससीबी लगाना पड़ेगा प्लांट में। ओके, तो अगर इसका हम कॉस्टिंग की बात करें तो तकरीबन 7 लाख रुपीज जो है हमें एससीबी परचेस करने के लिए लगाना पड़ेगा। ओके, उसका छठा पॉइंट है हमारा सोलर इन्वर्टर। ओके, तो सोलर इन्वर्टर जो है कम से कम मुझे 10 मेगावाट का है। ओके, तो यहां पर जो है कम से कम 10 सोलर इन्वर्टर मुझे परचेस करना पड़ेगा। ओके, और इसका कॉस्टिंग आ जाएगा तकरीबन 3 करोड़ रुपए। ओके, मतलब हमें सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए 3 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके,
उसके बाद 7 नंबर हमारा पॉइंट है ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहां पर प्लांट जो हमारा 10 मेगावाट का है, ओके, तो यहां पर जो है कम से कम मुझे 10 ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ओके, अगर 1 मेगावाट पर 1 ट्रांसफार्मर भी दे रहे हैं तो तकरीबन मुझे 10 ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसका कॉस्टिंग जो है 2.5 करोड़ हो जाएगा। ओके, ट्रांसफार्मर का। ओके, उसका 8वां हमारा पॉइंट है 300 स्क्वायर एम एसी केबल। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए ये, ओके, एसी केबल मुझे लेना पड़ेगा। ओके, और यहां जो है हमारा ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। ओके, मतलब हमारा मान लीजिए प्लांट जो 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, ओके, तो ये डिपेंड करता है कि मतलब हमारा लेंथ कितना है। ओके, मतलब हमारा वो ड्रॉइंग के हिसाब से मुझे ये परचेस करना पड़ेगा। ओके, मतलब जो हमारा एसी केबल होगा ड्रॉइंग, मतलब किधर किधर से हमारा केबल जा रहा है उसका लेंथ जो है वहां से मेजरमेंट करके उसके हिसाब से हम लोग को परचेस करना होता है। ओके, तो यहां पर जो है मैं यहां पर एरिया मेंशन, लेंथ जो है मैं मेंशन नहीं कर सकता हूं। ओके, क्योंकि जो ड्राइंग में दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो है तकरीबन आपको ऑन एवरेज जो है 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत महंगा होता है। जो हमारा एसी केबल होता है उसका रेट जो है कम से कम जानते हैं 1500 रुपए पर मीटर होता है, पर मीटर होता है। ओके, 1500 होता है, 2000 होता है, 2500 भी होता है, ओके, 3000 भी होता है। मतलब जैसा क्वालिटी का आप केबल लीजिएगा उस तरह से उसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसमें जो है कम से कम आपको 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसी केबल के लिए। ओके? उसका 9 नंबर हमारा पॉइंट है वो है 6 स्क्वायर एम डीसी केबल। ओके, क्योंकि मान लीजिए डीसी केबल क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा पैनल से जो करंट आएगा वो हमें केबल के थ्रू हमको ले जाना पड़ेगा एससीवी में, और फिर एससीवी से हमें ले जाना पड़ेगा इन्वर्टर में। ओके, तो उसके लिए मुझे केबल चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है यहां पर 4 स्क्वायर एम भी यूज करते हैं और 6 स्क्वायर एम भी यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर जो है मैं 6 एम कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो है आपको डीसी केबल परचेस करने के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो है बहुत ही महंगा होता है। केबल का कॉस्ट जो है 45 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए पर मीटर होता है। ओके, तो मैं यहां पर जो है मैक्सिमम मान करके चल रहा हूं 60 रुपीज पर मीटर। तो उसके हिसाब से जो है कम से कम आपको 7 करोड़ रुपए जो है सिर्फ डीसी केबल खरीदने में आपको लगाना पड़ेगा। ओके, उसका 10वां जो हमारा पॉइंट है वो है अर्थपीट। ओके, तो अर्थपीट जो है हम लोग अर्थिंग को, मतलब जो हमारा करंट मान लीजिए कभी प्लांट में फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, कहीं पे केबल कट गया, चूहा केबल काट दिया। ओके, तो उस करंट को जो ग्राउंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थपीट लगाते हैं। ओके, तो पूरे प्लांट में आपको अर्थपीट लगाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है अर्थ स्ट्रिप। जैसा कि मान लीजिए हमारा कोई एक प्लांट है, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है। ओके, ये प्लांट है हमारा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, और यहां पर जो है मुझे चारों साइड से, मतलब हर एक साइड से हमको अर्थिंग देना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, इस टाइप से हमें अर्थिंग लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जहां जहां पे हमारा मान लीजिए कि टेबल आएगा, मॉड्यूल का जो टेबल आएगा, ओके, वहां पे भी इसको लगाना है अर्थिंग को। ओके, तो यहां पर जो है ह्यूज अमाउंट में जो है मटेरियल इन्वेस्ट, मटेरियल लगता है अर्थ स्ट्रिप के लिए। ओके, तो इसमें जो है कम से कम आपको अर्थ स्ट्रिप में जो है कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एलए आता है, तो एलए के लिए कम से कम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, लाइटिंग अरेस्टर, मतलब जिस समय बिजली, बारिश के मौसम में बिजली गिरता है, अगर मान लीजिए प्लांट पे बिजली गिर गया तो मतलब बहुत सारा हमारा मटेरियल जो है डैमेज हो सकता है। ओके, तो उसी को बचाने के लिए, काउंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलए लगाते हैं। ओके, लाइटिंग अरेस्टर हम लोग लगा देते हैं। ओके, तो वो जो क्या करता है, बिजली गिरेगा तो उसको वो ग्राउंड कर देता है लाइटिंग अरेस्टर। ओके, तो इसमें जो है तकरीबन आपको लाइटिंग अरेस्टर में 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 13 नंबर पॉइंट है MC4 कनेक्टर। ओके, MC4 कनेक्टर जनरली हम लोग ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो दो हमारा केबल जो रहता है उसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर जो है कम से कम आपको 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा MC4 कनेक्टर के लिए। ओके, उसका 14 नंबर पॉइंट है हमारा लग्स। ओके, लग्स में कम से कम आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका आता है 15 नंबर फेरुल आता है, फेरुल जो है कम से कम 3 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका 16 नंबर हमारा पॉइंट होता है वो होता है प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओके, तो कम से कम जो है आपको यहां पर 25 लाख रुपए जो है मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा विदाउट मटेरियल। ओके, सिर्फ आप वेंडर को दीजिएगा काम करने के लिए। ओके, तो यहां पर जो है कम से कम आपको 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है 17 नंबर पॉइंट में, 17 नंबर पॉइंट में आता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ओके, यानी ग्रिड एक्सटेंशन। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई हमारा, मान लीजिए यहां पर प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, तो यह करंट तो हम यहीं पर नहीं रखेंगे, इसको हमें कहीं दूर भेजना पड़ेगा।
कहीं मार्केट में हमको कहीं जहां पे हमारा सब स्टेशन होगा वहां पे ले जाना पड़ेगा, ओके, वहां पे ले जाना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ेगा, ओके। तो उसमें जो है कम से कम आपको 15 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके, क्लियर। उसके बाद स्विच यार्ड आपको बनाना पड़ेगा जहां पे ट्रांसफार्मर आ रहा है, उसके बाद फिर हमारा ये इन्वर्टर रहेगा, ओके। तो वहां पर जो है आपको कम से कम जो है आपको स्विच यार्ड बनाना पड़ेगा, तो स्विच यार्ड 10 स्विच यार्ड आपको बनाना पड़ेगा, ओके। तो 10 स्विच यार्ड बनाने के लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा प्लांट के चारों साइड का जो हमारा होता है बाउंड्री, ओके, 18 नंबर ये हो गया, ये हमारा 19 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ओके। तो उसके बाद आता है हमारा फेंसिंग बाउंड्री प्लांट के चारों साइड, ओके। ये हमारा प्लांट है, मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, ओके, मान ली कि ये हमारा प्लांट है, इसके चारों साइड से मुझे बाउंड्री लगाना पड़ेगा, ओके। इसमें जो है कम से कम आपको फेंसिंग लगाने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। अगर ये पैनल वाला लगा रहे हैं तब, या फिर आप मजाई लगाइए तो पैसा जो है कम हो सकता है, ओके। तो ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर, कौन सा मटेरियल बाउंड्री के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। तो कम से कम जो है 2 करोड़ आप मान करके चलिए इसको, ओके। उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर पॉइंट है मिसलेनियस, ओके। अदर खर्च मान लीजिए मैं 1 करोड़ यहां पर मान करके चल रहा हूं, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये टोटल खर्च जो है कम से कम आपको 10 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ 20 लाख रुपए जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके, तब जाकर के आप 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, ओके, सोलर प्लांट लगा सकते हैं, ओके। आपको देखिए सबको ऐड करने के बाद कितना आया है, ओके, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर ले रहा हूं, देखिए ये सारे सबको जोड़ने के बाद इसको इसको ये सारे जितना अमाउंट है ना ये सबको मैं ऐड किया हूं, ओके। तो ये सबको ऐड करने के बाद जो है हमारा अमाउंट जो है सबसे लास्ट में आ गया, कितना सबसे लास्ट में आ गया है 60 करोड़ 20 लाख, ओके। मतलब आपको 10 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए मुझे 60 करोड़ 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ओके, क्लियर। यानी 60 करोड़ 20 लाख रुपीज में आप 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आसानी से लगा सकते हैं, ओके। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में, ओके। जैसा कि हमने देखा कि 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें जो है यहाँ पर 60 करोड़ 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ओके। इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इससे हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, ओके, क्लियर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में, ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, 1 किलोवाट का, ओके, तो दिन भर में जो है 4 यूनिट का जनरेशन होता है, 4 यूनिट्स का जनरेशन होता है, ओके। तो यहां पर हमारा कितना किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, 10,000 किलोवाट का हमारा सोलर पावर प्लांट है, ओके, क्लियर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको 10,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ओके। 40,000 क्या होगा, यूनिट्स होगा, क्योंकि एक दिन में जो है इतना करंट का जनरेशन होगा, ओके, 40,000 यूनिट्स पर डे जनरेशन होगा, ओके। मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि जब आप 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाइएगा, ओके, तो उसमें जो है दिन भर में आपको 40,000 यूनिट्स का जनरेशन होगा पर डे, ओके, क्लियर। और मान लीजिए कि आप ये बिजली जो है, आप ये जो करंट है, आप ये गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, ओके, तो इसका सेलिंग रेट कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग रेट जो अगर गवर्नमेंट को आप दीजिएगा तो 3.14 रुपीज के हिसाब से परचेस करेगी, ओके, क्लियर। मतलब सेलिंग रेट कितना है, 3.14 रुपीज है, ओके। तो पर डे हमारा इनकम कितना हो जाएगा, 40,000 को अगर हम 3.14 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा इनकम होगा पर डे का, ओके। तो चलिए मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो यहां कैलकुलेशन करने के बाद जो है आपको यहां पर जो एक दिन का इनकम है वो कितना आएगा, 1,25,600 रुपए जो है आपको एक दिन का इनकम होगा, ओके। ये डेली का इनकम है, एक दिन का इनकम है, ओके। तो हम इसको मंथली में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें, ओके, मंथली में कन्वर्ट करके हम लोग देख लेंगे कि मतलब मंथली में कितना हो रहा है, फिर हम लोग चेक करेंगे ईयरली कितना इनकम हो रहा है, क्लियर। ये तो हमारा जो है ये मंथली हमारा इनकम हो गया, सॉरी पर डे इनकम हो गया कि 1,25,600 रुपए जो है पर डे हमें इनकम होने वाला है, ओके, क्लियर। तो यहां पर हम मंथली हम निकाल करके देख सकते हैं, ओके, मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना हो जाएगा, ओके। तो हमारा कितना जनरेशन आया था, एक दिन का कितना था, 40,000 था, ओके, और इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 को
40,000 इंटू 30 एक महीना में कन्वर्ट कर रहे हैं ओके, तो कितना यूनिट्स का जनरेशन हो जाएगा 12 लाख ओके, 12 लाख यूनिट का जो है जनरेशन होगा महीना में ओके, यानी एक महीना में जो है 12 लाख यूनिट का जनरेशन होगा ओके, इतना जनरेशन होगा। रेट हम क्या लगाए थे, रेट जो है 3.14 रुपीज हम लगाए हैं ओके, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लाख को कितना से 3.14 से ओके, तो चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3.14 से ओके, उसके बाद देखते हैं कि इसका वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है ओके। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3,76,800 रुपीज, ये कितना किसका है मंथली है ओके, ये मंथली आपका इनकम है ओके, ये जो है मंथली इनकम है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मंथली इनकम ओके, मंथली इनकम आपको इतना हो रहा है ओके, क्लियर। अब हम इसको निकाल लेते हैं ईयरली में, मतलब ईयरली कितना होने वाला है ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ईयरली इनकम कितना हो रहा है ओके, क्लियर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ईयरली इनकम ओके, तो ईयरली हमारा पहले जनरेशन निकालना पड़ेगा कि ईयरली जनरेशन कितना हो रहा है ओके, तो हमारा मंथली जनरेशन कितना था 12 लाख था ओके, तो 12 लाख को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके, 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मंथली जनरेशन हमारा कितना था, इतना था हमारा 12 लाख था ओके, इसको हम यहां पर क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लाख को ओके, तो पहले मैं यहां पर 12 लाख लिखता हूं और इसको हम ईयरली में कन्वर्ट करते हैं ओके, इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर आपको हो जाएगा कितना 1,44,00,000 जो है आपको यहां पर ईयरली जनरेशन देखने को मिलेगा, इतना यूनिट्स जो है जनरेशन आपको देखने को मिलेगा ओके, 1,44,00,000 समझ रहे हैं कितना हो रहा है, इतना जो जनरेशन हो रहा है ओके, और रेट हमारा कितना था, रेट हमारा वही था 3.14 रुपीज था, इस रेट के हिसाब से हम बेच रहे थे ओके, इसको हम क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा ईयरली कितना हो रहा है ओके, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1,44,00,000 1,44,00,000 को 3.14 रुपीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कितना आ रहा है हमारा 4,52,00,000 4,52,16,000 रुपए जो हमें ईयरली इनकम हो रहा है, इतना ईयरली हमारा इनकम आ रहा है ओके, क्लियर। इतना हमारा ईयरली इनकम हो गया। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि मतलब इतना इनकम है लेकिन इसमें हमारा मेंटेनेंस चार्जेस जाएगा ओके, तो वो सब चीज को हमें माइनस करना पड़ेगा ओके, तो वो सब चीज जो है यहां पर मैं नोट कर ले रहा हूं, हमें मेंटेनेंस में क्या क्या जाएगा वो मैं लिख लेता हूं, मेंटेनेंस में हमारा क्या क्या रहेगा ओके, तो मेंटेनेंस का सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा प्लांट मेंटेनेंस ओके, प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा आ जाएगा मॉड्यूल क्लीनिंग का ओके, मॉड्यूल क्लीनिंग का आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा ओके, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो रहेगा प्लांट ऑपरेटर का रहेगा ओके, मतलब हमारा जो प्लांट है वो कोई इंजीनियर चलाएगा ना, तो उसका हमें सैलरी देना पड़ेगा ऑपरेटर का कॉस्ट ठीक है, ये सब मतलब ऑन एन एवरेज जो है प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आप इस सबको कॉस्ट जो है मान करके चलिए पर ईयर जो है 1,00,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लांट मेंटेनेंस के लिए ओके, प्लांट मेंटेनेंस करने के लिए आप जो है हर एक साल जो है 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके, यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अमाउंट आया था 4,52,16,000 रुपए ये वाला अमाउंट ओके, इसमें से 1,00,000 हम माइनस कर देंगे ओके, 1,00,000 जो हम माइनस करेंगे तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट हमें निकल करके आ जाएगा ओके, तो 4,52,16,000 को क्या करेंगे 1,00,000 माइनस करेंगे ओके, तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं नेट प्रॉफिट ओके, नेट प्रॉफिट में टोटल हमारा कितना इन्वेस्टमेंट कितना था ईयरली इनकम कितना था 4,52,16,000 रुपए था क्लियर, उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 1,00,000 जो है हम यहां पर माइनस कर देंगे ओके, 1,00,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,52,16,000
16,000 रुपए जो है मुझे हर एक साल इनकम होगा। ओके, अगर मान लीजिए इसमें से 50,00,000 रुपए जो है मान लीजिए और हम खर्च कर दे रहे हैं, 50,00,000 रुपए और मान लीजिए, तो कम से कम जो है आपको 3 करोड़ जो है हर एक साल आपको इनकम होने वाला है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।